शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। याद है ना श्रद्धा, आज अभय के साथ बाहर जाना है। थोड़ी भी देर हो गई ना तो कितना भड़केंगे वो मुझ पे। अब क्या नया तमाशा है इसका? मगर क्यों, क्या हो गया अचानक? बताओगी गौरी, क्या हुआ है? माँ जी ने अंदर से दरवाजा क्यों बंद कर लिया? कुछ तो बोलो। माँ जी ने जिद पकड़ ली है कि अभय जी के साथ बाहर खाने पे हम जाए, वरना वो अन्न का एक दाना भी नहीं लेंगी। लो बताओ, घर में आई नहीं कि नौटंकी शुरू। नौटंकी रानी? माँ, माँ दरवाजा खोलिए, मैं हूँ माँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। ये क्या नई जिद है? आप अपने बेटे के साथ बच्चों जैसे जिद करोगे? माँ जी, आज ना हमें अभय जी के साथ बाहर खाने पे जाना है अकेले, तो चलिए जल्दी से आप अपनी नौटंकी शुरू कर दीजिए। क्या मतलब? ओ, कितनी भोली है आप। आप तो ऐसे बात करिए जैसे आपको पता ही नहीं है कि क्या करना होगा। आप तो पहले से ही माहिर हैं अपने बेटे को घुमाने में। अच्छा ठीक है, मैं गौरी को बाहर लेकर जाता हूँ। चलो गौरी। कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेते हैं जी। एक्सक्यूज मी गौरी, तुम्हें नहीं बता दो तुम्हें क्या चाहिए? श्रद्धा तुम? अब वो मम्मी जी ना बहुत जिद करने लग गई थी। उन्हें पता था कि अभय और मेरा पहले से ही आने का प्लान है। वो मुझे कहने लगी कि अगर मैं अभय के साथ नहीं गई तो वो कुछ भी नहीं खाएंगी। अच्छा किया तुम आ गई। अब तुम दोनों खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर दो, मैं वॉशरूम होके आता हूँ।
जवाब चाहिए। आप झूठ बोल रहे थे ना? झूठ? मतलब हम क्यों झूठ बोलेंगे? सॉरी, तुम तो मम्मी जी को समझती हो ना, मैं उनकी कोई भी बात नहीं टाल सकती, और उनकी जिद पे मुझे मुझे मजबूरन आना पड़ा। तुम ना सही कहती हो गौरी, बड़े ना हमेशा सही कहते, कभी गलत नहीं कहते, और हमें उनकी बात हमेशा मान लेनी चाहिए। गौरी, हमारा तो वैसे भी पहले से ही बाहर जाने का प्लान था, वो तो हमारे बीच में तुम फंस गई। वैसे गौरी, तुम ना यहाँ से जा सकती हो, माँ जी यहाँ पर तुम्हें थोड़ी ना देखेंगी, तो तुम चली जाओ। क्या हुआ गौरी, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, क्या मजबूरी है तुम्हारी? बेचारी गौरी। गलती से भी ये मत समझना, चुपचाप सुनते रहेंगे। अभय जी ने मांग भरी है हमारी, उनकी पत्नी हम है अब, और उन्हें तो हम हासिल करके रहेंगे। यही यही है तुम्हारा असली चेहरा, और बहुत जल्द तुम्हारे इस असली चेहरे को मैं सबके सामने लाकर रख दूंगी, तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी। और रही अभय की बात, तो अभय मेरे पति हैं, थे और हमेशा मेरे ही पति रहेंगे। दीदू, अभय, क्या हुआ? तुम इतना क्यों हंस रहे हो? अरे, पुरानी अफसर की बड़ी बहन जब इतनी डरपोक हो जाए तो हंसी तो आएगी ना। अब हम समझे नहीं, समझ तो मुझे नहीं आ रहा है कीर्ति, कि उस गौरी ने अभय की आंखों पर क्या भोलेपन की पट्टी पढ़ा दी है कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने बार बार एक ही चीज कह रही हूँ कि उस गौरी के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर नहीं, ये उल्टा मुझ पे हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो बेचारी है, डर डर के घूम रही है मेरे सामने। अरे, आप दोनों हमें वहां अकेले छोड़ के आ गए। श्रद्धा ने मुझे कहा था कि तुम अकेली चली गई। अभय जी, हम अकेले कैसे आते, हमें तो घर का पता भी नहीं पता था, थोड़ा बहुत रास्ता पता था लेकिन भटक गए हम, और फिर वो गुंडे, अभय जी वो गुंडे फिर से हमारे पीछे पड़ गए थे, बहुत मुश्किल से हम अपनी जान बचा के आए घर। अच्छा हुआ गौरी तुम सही सलामत घर पहुंच गई। आज अगर अकेले हमें कुछ हो गया होता तो क्या होता, हम तो बहुत डर गए थे। फिर आप दोनों हमें वहां अकेले छोड़ के क्यों आ गए? लड़के फंसाने के 101 तरीके आते हैं, पूरा किताब ना खोद कर आई है।
माफ करना, शायद कोई गलत फहमी हो गई थी। नहीं नहीं अभय जी, आप माफी मत मांगे, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। खुद तो गौरी को वहां अकेला छोड़ दिया, अब यहाँ मुझे घूर रही है। श्रद्धा तुम भी ना। वो मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। बाल बाल बच गए हैं आज, अब यहाँ से निकल लेता हूँ, इससे पहले कोई नई मुसीबत आ गई। वाह वाह वाह, क्या एक्टिंग करती हो, क्यों दे दूँ? घर में इतनी अच्छी नौटंकी कर रही है, सोचो बड़े पर्दे पे तो आग लगा देगी। नाटक करना तो शायद हम त्रिपाठी बहुओं की आदत है। जबान संभाल के बात करो गौरी। दीदू आपने इसे बताया नहीं कि हम पुलिस में थे, और अगर हमारे अंदर पुलिस गिरी फिर से जाग उठी ना, तो तुम जैसे जालसाजों को हम आज भी जेल के अंदर चक्की पिसवा सकते हैं। तो तुम जो ये अपने नौटंकी का रंगमंच लगाई हुई हो ना घर में, सब कुछ उठाओ और निकलो यहाँ से। नहीं नहीं ऐसा मत करिए, हम चले जाएंगे, चले जाएंगे, जाओ। कीर्ति मुझे तो लगता नहीं है कि एक आधी धमकी से मानने वाली है। हमें लगता है ना इसके साथ भी वही करना पड़ेगा जो हमने गुलाल के साथ किया। इसे भी अपनी जोड़ी का असली चेहरा दिखाना पड़ेगा। आपको पता है गुलाल तो अभी तक सदमे में घूम रहा है। गौरी अब देखो क्या हाल करती हूँ मैं तुम्हारा। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।